बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, हमारा आज का लेक्चर जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं इसके अंदर, डैट इज़ द एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम हमने डिस्प्लेसमेंट और वेलोसिटी को डिस्कस किया था। आज हमारा चैप्टर नंबर 3 का थर्ड लेक्चर है, डैट इज़ अबाउट द एक्सेलरेशन। व्हाट इज़ एक्सेलरेशन, एक्सेलरेशन क्या होता है। हमने डिस्प्लेसमेंट को डिस्कस किया था, डैट वाज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन द टू पॉइंट्स ऑफ एनी ऑब्जेक्ट। कोई भी ऑब्जेक्ट जो मूव कर रहा है किसी भी पाथ के क्रॉस, तो उसका इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स के दरमियान या कोई सी दो उसके पाथ के क्रॉस दो पॉइंट्स के दरमियान जो एक शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जिसको हम एक स्ट्रेट लाइन के साथ रिप्रेजेंट करते हैं, उस डिस्टेंस को हम डिस्प्लेसमेंट का नाम देते हैं। अगर हम उस एक्चुअल पाथ की बात करें जिस एक्चुअल पाथ के क्रॉस वो ट्रैवल करके जाता है, तो वो एक्चुअल पाथ उसका डिस्टेंस कहलाता है। डिफरेंस बिटवीन द डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट वाज ओनली ऑफ द नेचर दैट डिस्टेंस वाज अ स्केलर क्वांटिटी एंड द डिस्प्लेसमेंट वाज अ वेक्टर क्वांटिटी। रेस्ट ऑफ ऑल द थिंग दैट इज यूनिट एंड डायमेंशन ऑफ बोथ द टू टर्म्स वाज द सेम। सिमिलरली फिर उसके बाद हमने डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट को लेकर हमने वेलोसिटी और स्पीड को डिस्कस किया था। स्पीड और वेलोसिटी दोनों हमारे पास ऑलमोस्ट सेम थिंग थी, विद द वन डिफरेंस ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट की बात करते हैं तो हम वेलोसिटी को डील करते हैं, अगर हम रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस की बात करते हैं तो हम स्पीड को डिस्कस कर रहे होते हैं। स्पीड और वेलोसिटी के अंदर वही दो डिफरेंसेस हैं जो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के अंदर आते हैं। डैट इज कि हमारे पास जो स्पीड है वो एक स्केलर क्वांटिटी है और वेलोसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है। उसके अलावा उनके यूनिट्स देखे जाएं, उनकी डायमेंशन देखे जाएं, तो हमारे पास सेम आती हैं। स्टूडेंट्स, अब वेलोसिटी को लेकर हम लोग एक नेक्स्ट अगली टर्म डिस्कस करने जा रहे हैं, दैट इज नोन एज द एक्सेलरेशन। एक्सेलरेशन हमें यह बताता है कि आइदर को हमारे पास जो भी ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसकी स्पीड इंक्रीज हो रही है या डिक्रीज हो रही है, उसकी जो क्वांटिटी ऑफ मोशन है वो किस तरह वेरी कर रही है। अगर हम इसको एक्सेलरेशन को डिफाइन करना चाहें, सो डेफिनेशन ऑफ एक्सेलरेशन विल बी, इट इज डिफाइंड एज द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज नॉन एज एक्सेलरेशन। लास्ट टाइम मैंने आपको लेक्चर में बताया था कि जब भी हम फिजिक्स के अंदर रेट की बात करते हैं, किसी जगह पे हम लोग कोई चीज़ हम डिफाइन कर रहे हैं, कुछ चीज़ स्टेट कर रहे हैं, तो वहाँ पे हम लिखते हैं रेट ऑफ दिस दिस एंड दिस, तो वहाँ पे ये चीज़ ऑब्वियस होगी डैट समथिंग इज चेंजिंग विद रिस्पेक्ट टू टाइम। यहाँ पे हम बात कर रहे हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, इट मीन्स कि एक्सेलरेशन को अगर हम मैथमेटिकली फॉर्म में लिखें तो मैथमेटिकली हम लोग इसको जब लिखेंगे तो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट किया जाता है ए से विद अ कैपिटल विद अ एरो हेड ओवर इट, बिकॉज एक्सेलरेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इज डिफाइंड एज वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। हमने इसको डिफाइन किया रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी, सो वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम विल गिव अस द एक्सेलरेशन। अब यहाँ पे एक्सेलरेशन हम लोग कैसे मेजर करते हैं, तो एक्सेलरेशन मेजर करने के लिए हम लोग बात करते हैं, तो वहाँ पे हम सपोज करते हैं कि जिस तरह हमने कल वेलोसिटी की डिफरेंट टाइप्स डिस्कस की थी, एक एवरेज वेलोसिटी डिस्कस की थी, फिर यूनिफॉर्म वेलोसिटी, फिर वेरिएबल वेलोसिटी, सो दैट उसी तरह हम एक्सेलरेशन के भी कुछ टाइप्स को डिफाइन करेंगे। अगर हम डिस्कस करना चाहें, सॉरी फर्स्ट ऑफ ऑल दैट इज एवरेज एक्सेलरेशन, तो एवरेज वेलोसिटी जिस तरह हमने कहा था कि टोटल डिस्टेंस डिवाइडेड बाई टोटल टाइम, सिमिलरली जब हम एवरेज एक्सेलरेशन की बात करेंगे तो सपोज ये करते हैं कि हमारे पास कोई एक ऑब्जेक्ट है दैट इज मूविंग इन दिस एट एनी पाथ फ्रॉम पॉइंट दिस ए पॉइंट टू बी पॉइंट। लेट्स सपोज कि ए पॉइंट के ऊपर जब ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है दैट टाइम द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट इज वी ए, और जब वो बी पॉइंट पे पहुंचता है तो इट्स वेलोसिटी इज वी बी एंड द टाइम टेकन बाय द ऑब्जेक्ट इज टाइम टेकन इज इक्वल्स Let's suppose it is t or del t. Then, जब हमने average acceleration निकालना है, so acceleration average या simple acceleration will be equals to, it is simply the difference of velocities between the two points. हमने total change in velocity देखना है कि दो points के दरमियान उसकी जो velocity change हो रही है, तो velocity के अंदर total कितना change produce हो रहा है. So simply हम लिख लेंगे velocity at final point minus velocity at initial point divided by total time taken delta t. यहाँ पे जो कि हम फाइनल में से इनिशियल वेलोसिटी को माइनस कर रहे हैं, तो इसको अगर हम लोग चेंज करके लिखें तो इसको हम लोग चेंज इन वेलोसिटी
डिवाइडेड बाई चेंज इन टाइम के साथ रिप्रेजेंट कर सकते हैं। जब हम टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल चेंज इन टाइम के साथ डिवाइड करके एक्सेलेरेशन कैलकुलेट करते हैं तो उस वक्त हमारे पास जो एक्सेलेरेशन आता है डैट इज नोन एज द एवरेज एक्सेलेरेशन। ठीक है, सिंपली हम इसको डिफाइन कर देते हैं, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी इज कॉल्ड एक्सेलेरेशन, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल चेंज इन टाइम विल गिव अस द एवरेज एक्सेलेरेशन। ठीक है, यहाँ से फिर हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन की तरफ अगर मूव करें तो व्हाट विल बी द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन, इंस्टेंटेनियस जिस तरह हमने लास्ट टाइम इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी को डील किया था कि डिस्प्लेसमेंट को हम लोग शॉर्ट करते जाते हैं छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइड करते हैं उसको, और डिवाइड करने के बाद हम उन पार्ट्स को इतना छोटा कर लेते हैं कि उन पार्ट्स का जो डिस्टेंस हमारे पास या डिस्प्लेसमेंट आता है वो बहुत स्मॉल हो जाता है, और उस डिस्प्लेसमेंट कवर करने के लिए जो टाइम लगता है वो टाइम ना होने के बराबर होता है, अप्रोचेस टू जीरो हो जाता है। उस वक्त चेंज इन डिस्प्लेसमेंट विद चेंज इन टाइम विद द कंडीशन ऑफ लिमिटिंग वैल्यू ऑफ टाइम अप्रोचेस टू जीरो, जो वेलोसिटी आती है वो वेलोसिटी हमारे पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आती है। सिमिलरली जब हम एक्सेलेरेशन की बात करते हैं सो इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन विल बी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ चेंज इन वेलोसिटी टू द टाइम चेंज इन टाइम विद अ कंडीशन दैट ऑफ लिमिट एट डेल्टा टी सच दैट इट अप्रोचेस टू जीरो। अगर हमारे पास ये टाइम डेल्टा टी अप्रोचेस टू जीरो हो जाए तो चेंज इन वेलोसिटी तो चेंज इन टाइम हमारे पास जो रिलेशन देगा इट विल गिव्स अस द वैल्यू ऑफ इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन। इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन मींस द वैल्यू ऑफ एक्सेलेरेशन एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू फ्रॉम पॉइंट बी। इसके अंदर जब हम इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन लिखते हैं तो इनफैक्ट हम डेल्टा वी बाई डेल्टा टी की ये लिमिटिंग वैल्यू ले रहे होते हैं उस छोटे से इंटरवल ऑफ टाइम के अंदर जिस जो टाइम इंटरवल हमारा अप्रोचेस टू जीरो होता है। ठीक है, हम डिस्टेंसेस पूरे डिस्टेंस को छोटे छोटे पॉइंट्स के अंदर डिवाइड कर देते हैं, और एक छोटे से पाथ के दौरान वो छोटा सा पाथ जिसको ट्रैवल करने के लिए हम जो टाइम ऑब्जेक्ट ले रहे हैं वो टाइम इतना छोटा है कि उसके ऊपर हम कंडीशन लगा देते हैं डैट डैट टाइम अप्रोचेस टू जीरो। तो उस टाइम के अंदर जब वेलोसिटी चेंज हो रही है तो चेंज इन वेलोसिटी टू द चेंज इन टाइम जो रेशियो हमें मिलेगी डैट विल गिव अस द इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट एट एनी इंस्टेंट ऑफ द टाइम ड्यूरिंग द मोशन ऑफ दैट ऑब्जेक्ट फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी। इसी के साथ यहाँ पे एक्सेलेरेशन की एक और चीज़ हम लोग उसकी दो टाइप्स को डिस्कस करते हैं, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव एक्सेलेरेशन and other is called negative acceleration. Now what is the difference between positive and negative accelerations? हमने देखना ही है कि basically इन दोनों acceleration की types के अंदर difference क्या आ रहा है। किसी भी object, कोई भी object जो move कर रहा है during the motion हम उसकी velocity को observe करते हैं। अगर उसकी velocity continuously increase कर रही है इनिशियल पॉइंट पर जो उसकी वेलोसिटी है एक फाइनल पॉइंट पर उसकी वेलोसिटी आ जाती है, यहाँ पे ए पॉइंट पे जो वेलोसिटी है उसको हम इनिशियल वेलोसिटी का नाम दे दें, बी उसका फाइनल लोकेशन है जिस जहाँ पे उसकी जहाँ पे उसने पहुँचना है वहाँ पे उसकी जो वेलोसिटी है तो वो उसको वेलोसिटी का हम फाइनल वेलोसिटी का नाम दे देते हैं। तो इनिशियल और फाइनल वेलोसिटी तक मूव करते हुए अगर उस ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कंटिन्यूसली इंक्रीज कर रही है तो ड्यूरिंग द इंक्रीमेंट जब हम चेंज इन वेलोसिटी निकालेंगे तो हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी ऑलवेज पॉजिटिव आएगा। हमेशा पॉजिटिव आने का मतलब यह है कि हमारे पास जो एक्सेलेरेशन है डैट एक्सेलेरेशन इज गोज ऑन इंक्रीजिंग, जो एक इंक्रीजिंग वेलोसिटी के दौरान इंक्रीजिंग एक्सेलेरेशन होता है उस एक्सेलेरेशन को हम लोग पॉजिटिव एक्सेलेरेशन का नाम देते हैं, और उसके लिए हम लोग सिंपली लिखते हैं डैट एक्सेलेरेशन ए इज ग्रेटर देन जीरो। एक्सेलेरेशन अगर हमारे पास ग्रेटर देन जीरो आए फ्रॉम दिस रिलेशन जो चेंज इन वेलोसिटी हमारे पास आ रहा है ये चेंज इन वेलोसिटी हमें एक पॉजिटिव आंसर दे रहा हो उस वक्त हमारे पास जो एक्सेलेरेशन होगा डैट विल बी द पॉजिटिव एक्सेलेरेशन। सिमिलरली अगर एक ऑब्जेक्ट स्टार्ट करता है मूविंग फ्रॉम पॉइंट ए टू बी और ड्यूरिंग द मोशन फ्रॉम ए टू बी उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कंटिन्यूसली कम होती जाती है, मीन जब भी हम उसको ड्यूरिंग द मोशन चेक करते हैं तो इनिशियल वेलोसिटी के करस्पॉन्डिंग जो फाइनल वेलोसिटी है उसकी वैल्यू कंटिन्यूसली कम होती जा रही है, हमेशा कम मिलती है। फॉर एग्जांपल कि हम कहते हैं कि इनिशियली उसकी वेलोसिटी इस पॉइंट पे है 15 मीटर्स पर सेकंड एट पॉइंट ए, बी पॉइंट पे जब जाते जाते उसकी वेलोसिटी हम चेक करते हैं तो वेलोसिटी रिमेन्स 5 मीटर्स पर सेकंड। तो इनिशियली 15 है,
फाइनली वेलोसिटी 5 है, जब हम यहाँ पे वैल्यूज पुट करेंगे 5 माइनस 15, सो इट विल गिव अस द -10। मीन्स चेंज इन वेलोसिटी जो है वो -10 आ रहा है। -10 का मतलब क्या है कि उसकी वेलोसिटी के अंदर -10 मीटर पर सेकेंड की डिक्रीमेंट आया है। तो जब भी वेलोसिटी के अंदर डिक्रीमेंट आएगा, हमारे पास चेंज इन वेलोसिटी जो होगा वो एक नेगेटिव साइन देगा। उस नेगेटिव साइन की वजह से हमारे पास जो एक्सेलेरेशन बनेगा, डैट एक्सेलेरेशन विल बी लेस देन जीरो। सो हम लिख सकते हैं कि एक्सेलेरेशन जो होगा वो लेस देन जीरो होगा। व्हेनेवर द डिफरेंस बिटवीन द वेलोसिटी इज नेगेटिव, एक्सेलेरेशन गिव्स अस अ नेगेटिव वैल्यू एंड डैट एक्सेलेरेशन विल बी नेम्ड एज द नेगेटिव एक्सेलेरेशन। नेगेटिव एक्सेलेरेशन को हम एक दूसरा नाम भी देते हैं, डैट इज नोन एज रिटार्डेशन। ऑफन टाइम्स कहीं स्टेटमेंट में या क्वेश्चन में आपसे पूछा जाता है कि एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है फ्रॉम पॉइंट ए टू बी, इनिशियली उसकी इतनी वेलोसिटी, फाइनली इतनी वेलोसिटी है, कैलकुलेट द रिटार्डेशन। वहाँ पे आपने इस चीज़ से कंफ्यूज नहीं हो जाना कि रिटार्डेशन क्या चीज़ है, वो तो हमने आज तक डिस्कस ही नहीं की। रिटार्डेशन बेसिकली नेगेटिव एक्सेलेरेशन को कहा जाता है। जब भी हमारे पास फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी से थोड़ी होगी, कम होती जाएगी, वहाँ पे एक्सेलेरेशन का नाम हम नेगेटिव एक्सेलेरेशन जो होता है उसका नाम हम एक नया नाम दे देते हैं, डैट इज नोन एज द रिटार्डेशन। सिमिलरली जब पॉजिटिव एक्सेलेरेशन होगी तो उसको हम एक्सेलेरेशन का ही नाम देंगे। एक्सेलेरेशन, एक्सेलरेट करना एक इंग्लिश के अंदर जो वर्ड है वो कैबुलरी के अंदर इसका देखिए जो एक्सेलेरेट करने का मतलब क्या है कि ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी बढ़ रही है। एक्सेलरेट कर रहे हैं मीन ये बढ़ रहा है आगे की तरफ, तो एक्सेलरेशन का मतलब होगा कि उसकी वेलोसिटी बढ़ रही है। रिटार्डेशन का मतलब होगा कि उसकी वेलोसिटी कम हो रही है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। जैसे जैसे टाइम गुजरता है उसकी जो वेलोसिटी है वो वेलोसिटी कम होती जाती है। ठीक है, यहाँ पे अब हम एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन को देखते हैं कि व्हाट इज़ अ यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। कंडीशन क्या होगी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन के लिए, अगर एक ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसका एक्सेलेरेशन हमने कहना है कि जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन होना चाहिए, डैट केस होगा क्या कि एक उसका एवरेज एक्सेलेरेशन है और एक उसका इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन है। हम चेक करना चाहते हैं कि आइदर द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज यूनिफॉर्म और इट इज नॉन यूनिफॉर्म। तो उसके लिए कंडीशन ये बनती है कि एवरेज एक्सेलेरेशन और इंस्टेंटेनियस एक्सेलेरेशन अगर दोनों आपस में इक्वल हो जाएं, इफ एक्सेलेरेशन एवरेज इज इक्वल टू द एक्सेलेरेशन इंस्टेंटेनियस, देन द एक्सेलेरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट विल बी यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन। ठीक है, उस पॉइंट पे उस ऑब्जेक्ट का जो एक्सेलेरेशन होगा वो एक्सेलेरेशन एक यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन बनेगा।